अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर अपनी सेवा देने की महत्वाकांक्षा रखते हो तो आपके लिए CDSE यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सबसे बढ़िया विकल्प है। तो आज की वीडियो में हम CDSE एंट्री से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम सिलेबस को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। CDSE एग्जाम UPSC द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। UPSC एग्जाम नोटिफिकेशन नवंबर टू दिसंबर और अगस्त टू सितंबर मंथ में रिलीज करती है और रिटन एग्जाम्स यूजली फरवरी और नवंबर मंथ में ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किए जाते हैं। इस एंट्री से कैंडिडेट तीनों सर्विसेज दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर कैंडिडेट को एप्लीकेशन फिल करते टाइम हर सर्विस को प्रेफरेंस देनी होती है। इस एंट्री से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए उनके द्वारा ऑप्टेड सर्विस की अकेडमी में रिपोर्ट करना होगा। ट्रेनिंग अकेडमीज की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑप्ट किया है उन सभी की 74 वीक्स की फ्लाइंग ट्रेनिंग एयरफोर्स अकेडमी दुंदीगल में होगी। सिमिलरली इंडियन नेवी ऑप्ट करने वालों की 44 वीक्स की ट्रेनिंग इंडियन नेवल अकेडमी एजेमला में होगी। इंडियन आर्मी ऑप्ट करने वाले सभी कैंडिडेट्स की 18 मंथ्स की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में होती है। वहीं जिन कैंडिडेट्स ने इंडियन आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ऑप्ट किया है उन सभी की 49 वीक्स की ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में होती है। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एयरफोर्स अकेडमी के लिए बस अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 20-24 इयर्स है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स और उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 3 इयर्स का ग्रेजुएशन या BE BTech किया होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ्स सब्जेक्ट्स इन +2। वो सभी CDSE के थ्रू इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं है जैसे कि FCAT एंट्री में होता है। इंडियन नेवल अकेडमी के लिए बस BE और BTech अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 20-25 इयर्स है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए कोई भी अनमैरिड मेल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बस उनकी एज 20-25 इयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। वही ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए दोनों मेल और फीमेल ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 19-25 इयर्स है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। अब देखते हैं CDSE एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को। कंबाइंड डिफेंस सर्विस रिटन एग्जाम में टोटल 3 पेपर्स आपको देने होते हैं, दैट इज इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश और GK मैंडेटरी पेपर्स है जिसमें आपको मिनिमम 20 मार्क्स दोनों पेपर में स्कोर करना होगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को UPSC द्वारा डिसाइडेड मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ को भी क्लियर करना होगा। ये दोनों पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं जिसमें आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही मैथ्स पेपर उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है जिन्होंने IMA, INA या AFA के लिए ऑप्ट किया है। मैथ्स पेपर में भी कैंडिडेट को 20 मार्क्स स्कोर करने होंगे और साथ ही UPSC द्वारा डिसाइडेड IMA, INA और AFA के लिए डिसाइडेड मिनिमम कट ऑफ को भी क्लियर करना होगा। मैथ्स पेपर भी 100 मार्क्स का होता है और इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन कट ऑफ 20-25% वेरी करती है, तो उसका ध्यान रखें। सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं जिसमें गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट्स को SSB और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा और फाइनल मेरिट में आए कैंडिडेट को रिस्पेक्टिव अकेडमीज के ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। तो ये थी CDSE एंट्री से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।